ना पिंपल कभी होंगे ना निशान बचेंगे। पुराने पिंपल दाग धब्बे व किसी भी तरह के चोट के निशान हटाएं, बस इसे लगाएं। नमस्कार। गर्मियां पड़ने पर दोस्तों दो तरह की समस्याएं सभी को आती हैं, एक धातु रोग की समस्या और दूसरा चेहरे पर पिंपल का निकलना। और पिंपल आने से न केवल हमारे चेहरे की सुंदरता बिगड़ती है बल्कि कई बार किसी शादी पार्टी या जरूरी फंक्शन के समय चेहरे पर पिंपल आ जाए तो हमारा आत्मविश्वास भी गिर जाता है और कई बार तो लोग घर से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो उपाय है इसे केवल 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता लगाने से दोस्तों चेहरे पर जिद्दी से जिद्दी पिंपल उसके निशान ठीक होंगे, चेहरा साफ और सुंदर बनेगा और चेहरे पर ऐसा ग्लो आएगा जो आपको फेशियल करने से भी नहीं मिलेगा। तो चलिए ये देखते हैं इस उपाय को आपको कैसे बनाना है। इस उपाय में दोस्तों हमें यहाँ पर केवल 4 चीजों का इस्तेमाल करना है। ये सभी चीजें क्या है ये मैं आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी बताता जाऊंगा। और इसमें पहली चीज जो आपको लेनी है जो आपके पिंपल को जड़ से खत्म करेगी वो है ये पेस्ट। आपको दोस्तों इस पेस्ट को घर पर तैयार करना है। ये पेस्ट दोस्तों आपके पिंपल को जड़ से खत्म करेगा। अगर आपके चेहरे पर एक पिंपल ठीक होने से पहले ही दूसरा निकल जाता है, चेहरे पर पिंपल बढ़ाने वाले बैक्टीरिया इतने ज्यादा फैल चुके हैं कि चेहरे से पिंपल कभी जाने का नाम नहीं लेते, तो इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज दोस्तों आपकी स्किन से बैक्टीरिया खत्म करेगी। आपकी त्वचा पर कोई भी पिंपल है चेहरा पूरी तरह से साफ होगा और दाग धब्बों के निशान हटाने के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये जो पेस्ट है वो है दोस्तों नीम पेस्ट। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ इस तरह से नीम की पत्तियां लेनी है। इसे पहले अच्छे से साफ कर लें, धो लें। नीम दोस्तों अक्सर हमारे आस पड़ोस में लगी होती है और चेहरे के लिए बहुत ही कारगर है। और आपको यहाँ पर 1 से 2 कटोरी के बराबर नीम की पत्तियां लेनी है, उसे साफ करके ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करते समय आप 1-2 चम्मच पानी भी मिला सकते हैं जिससे इसका पेस्ट जो है आपको इस तरह से मिलेगा। और अभी के लिए हम यहाँ पर इसे 1 बार के लिए प्रयोग करेंगे। और आपको यहाँ पर 1/2 चम्मच इस पेस्ट का एक खाली कटोरी में डालना है। और इसी के साथ साथ दूसरी चीज आपको लेनी है वो है ये कपूर। कपूर दोस्तों ये वही वाला है जिसका घर पर हम पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कपूर दोस्तों बहुत ही सस्ता होता है। आपको ये 1 रुपए में इस तरह की इसकी 1 टिकिया मिल जाएगी और इसे खोलने पर आपको कपूर कुछ इस तरह से मिलेगा। आप यहाँ पर 2 कपूर की टिकिया लेकर इसे थोड़ा दरदरा पीस लीजिए और किसी भी वजनदार चीज से इसे कूट कर इस तरह से बारीक कर लें और ये जो पेस्ट हमने बनाया है उसके साथ इसे डाल दें। आप ध्यान रखें कि जब भी इसे डालेंगे चम्मच से इसे हिलाकर इन दोनों चीज़ों को पहले मिक्स कर लें और फिर ही आपको तीसरी चीज़ इसमें मिलानी है और वो है गुलाब जल, जिसे इंग्लिश में हम रोज वाटर कहते हैं। चेहरे पर दोस्तों जब भी पिंपल आते हैं तो उसके निशान रह जाते हैं यानी कि हमारी त्वचा पर नुकसान पहुंचता है। और त्वचा को रिपेयर करने के लिए यानी कि हमारे चेहरे को फिर से ठीक करने के लिए गुलाब जल बहुत ही अच्छा है। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज स्किन रेडनेस, स्किन स्वेलिंग और त्वचा पर ग्लो लाने का काम करती है। आप दोस्तों इसे 1 चम्मच डालिए। और आखिरी चीज का इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों ग्लिसरीन। ग्लिसरीन दोस्तों आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। ये 10 से 20 रुपए की शीशी आती है। इसका दोस्तों आपकी स्किन के लिए बहुत फायदा है। ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ चेहरे पर किसी भी तरह की डलनेस ठीक करती है। आपको दोस्तों इसे भी 1 चम्मच डालना है और इसे डालने के बाद हम इन चारों चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। आप चम्मच लीजिए, चम्मच से आप इसे अच्छे से फेंटिए और 1 से 2 मिनट तक मिक्स कीजिए ताकि इसका जो पेस्ट तैयार होगा वो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से दिखे। ये पेस्ट दोस्तों आपके पिंपल हटाने के साथ साथ चेहरे पर ग्लो लाने का काम करेगा। और वो कैसे आएगा आइए देखते हैं। इस उपाय को लगाने से पहले दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले आपको अपने चेहरे को हल्की भाप देनी है। उसके लिए आप गर्म पानी कीजिए। गर्म पानी से अपने चेहरे को भाप दे सकते हैं या किसी टॉवल की मदद से उसे हल्के गर्म पानी में डुबोकर अपने चेहरे पर लगाइए जिससे आपकी स्किन की क्लींजिंग हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस उपाय का इस्तेमाल दोस्तों आपको हाथों की मदद से नहीं करना। आप इस तरह से कॉटन बॉल लीजिए और उसे इस तरह से डिप कीजिए और मान लीजिए आपके चेहरे पर यहाँ पर आपके पिंपल के निशान है। आप इसे अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर लगाइए और दाग धब्बे चोट के निशान पर भी आपको इसे ऐसे ही लगाना है। आप दोस्तों इस रुई को 2-3 बार डिप करके अपने पिंपल को अच्छे से कवर कर लें, अपने चेहरे पर इसे लगा लें और फिर सूखने के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद दोस्तों ये उपाय सूख जाएगा और फिर ताजे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। 1 दिन में इसका इस्तेमाल सिर्फ 1 बार करें और 7 बार लगाने से ही दोस्तों आप देखेंगे आपके चेहरे की पिंपल पूरी तरह से बैठ जाएंगे, दाग धब्बे के निशान ठीक होना शुरू होंगे और 1 हफ्ते में ही आपको इसके गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।